डेयरी उत्पादों में शुद्धता का दूसरा नाम है वीटा। वीटा के दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता उच्च दर्जे की है। पिछले 40 सालों से वीटा ने अपने ग्राहकों का भरोसा कायम रखा है। हमें अपने ग्राहकों की सेहत और स्वाद का ख्याल है, इसीलिए हम दूध और इससे बने उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब वीटा का दूध और भी पौष्टिक हो गया है, क्योंकि अब वीटा दूध की फोर्टिफिकेशन कर रहा है। मतलब ये कि अब वीटा के दूध में विटामिन ए और डी अलग से मिलाया जाता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी और विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। अब आप वीटा का जो दूध पी रहे हैं उसमें दूध के गुण तो हैं ही, साथ में विटामिन ए और डी की ताकत आपको अलग से मिल रही है। वीटा अपने ग्राहकों तक देसी गाय का ए टू दूध भी पहुंचा रहा है। आयुर्वेद में देसी गाय के दूध को अमृत के समान बताया गया है। इसका कारण है इसमें पाया जाने वाला ए टू बीटा कैरोटीन प्रोटीन। डॉक्टरों के अनुसार ए टू प्रोटीन हमारी सेहत के लिए काफी लाभदायक है। वीटा एक परिवार की तरह है। इसमें पशुपालक, दुग्ध सहकारी समितियां और वीटा के कर्मचारी कड़ी की तरह काम करते हैं। पशुपालक सहकारी समितियों में दूध लेकर आते हैं, यहाँ दूध इकट्ठा किया जाता है। सभी समितियां पूरी तरह नवीनीकृत हैं। यहाँ स्वचालित मशीन में दूध की फैट और गुणवत्ता जांची जाती है। दूध की फैट, वेट और रेट की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है। इसकी एक स्लिप पशुपालक को दे दी जाती है, साथ ही इस जानकारी का संदेश पशुपालक के मोबाइल पर भी भेजा जाता है। दुग्ध सहकारी समितियों में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। पशुपालक को हर 10 दिन में दूध की पेमेंट कर दी जाती है। जब से डायरी खुली है, ये 2015 में खुली थी डायरी, 19 अगस्त को खुली थी जी। इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे हम यहाँ दूध डालने आते हैं, साथ के साथ हमें पर्ची मिलती है और साथ के साथ फाइंट निकल जाता है। हम पर्ची से पर्ची मिला के हिसाब मिल जाता है। 10वें दिन हमें पैसे मिल जाते हैं जी। इसके बहुत से फायदे हैं सरकारी डायरी खुलने से, क्योंकि इसका बोनस भी आता है, हमारे खाते में आता है। जैसे हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है जी, उसमें भी हमें कोई लाभ मिलता है जी। पशुपालकों के हितों का ध्यान रखना वीटा का कर्तव्य है। इसी तरह अपने ग्राहकों को शुद्ध दूध पहुँचाना वीटा का धर्म है। इसीलिए आप तक दूध पहुँचाने की प्रक्रिया में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुग्ध सहकारी समितियों से वीटा की गाड़ियां दूध को बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट में ले जाती हैं। यहां दूध की गुणवत्ता जांची जाती है। इसके बाद यहां दूध को ठंडा किया जाता है। यहां से दूध वीटा के प्लांट में भेजा जाता है। यहां एक बार फिर से दूध का सैंपल लेकर इसकी गुणवत्ता जांची जाती है। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के बाद इसका फोर्टिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद दूध को पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइजेशन के बाद इसे पैक किया जाता है और इसके बाद वीटा की गाड़ियां दूध को वीटा की बूथ और रिटेल स्टोर तक पहुंचा देती हैं और यहां से आपके घर में। तो इस तरह आपके घर में पहुंचता है विटामिन ए और डी से भरपूर शुद्ध दूध। मैं वीटा के प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। जैसे वीटा दूध तो डेली यूज़ होता ही है, साथ में खीर और लस्सी, दही होगी सीज़न के हिसाब से। और बल्कि जो मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इन वीटा के, जो अभी दूध में इन्होंने जो विटामिन ए और डी एडिशनल डाले हैं, न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ गई है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। गांव के युवाओं और किसानों को हमारी सलाह है कि हरियाणा सरकार की पशुपालकों के लिए बनाई योजनाओं का लाभ उठाकर देसी गाय और भैंस की डेयरी शुरू करें। दूध बेचने की चिंता बिल्कुल ना करें। वीटा की दुग्ध सहकारी समितियां आपसे अच्छे रेट पर दूध खरीदेंगी। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि पशुपालन को बढ़ावा मिले, इससे किसानों और युवाओं को रोजगार मिलेगा और आम आदमी को पौष्टिक दूध। साथ ही सरकार के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। तो आइए हम सब मिलकर अपने हरियाणा को समृद्ध और स्वस्थ बनाएं।